गाइस आज की वीडियो में एक और ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसका नाम है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो। दिखने में पूरी की पूरी इनोवा क्रिस्टा जैसी ही दिखाई देती है। आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा BMW i8 इलेक्ट्रिक आरसी कार के साथ, सिक्स व्हील ड्राइव ऑफ रोडर आरसी कार के साथ, रेंज रोवर इवोक के साथ। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट स्टार्ट। चलो बॉक्स को फटाफट से यहाँ से अनबॉक्स कर देते हैं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये आ चुकी है हमारी टोयोटा लैंड क्रूजर। साइड से दिखने में बिल्कुल एक इनोवा क्रिस्टा जैसी ही दिखाई दे रही है। लुक बहुत ज्यादा लगा है क्योंकि ये कार कंप्लीटली ऑफिशियल लाइसेंसड है, इस वजह से इसका लुक देखो बहुत ज्यादा रियल लैंड क्रूजर कार जैसा ही दिखाई दे रहा है। देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट की क्वालिटी बहुत सही लग रही है यार मेरे को। जिस तरह की ऑफिशियल लाइसेंसड कार में रिमोट्स होते हैं उसी तरह का इसके अंदर भी रिमोट दिया गया है। ये रहा इसका एंटीना पूरी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। यहाँ पे बैटरी डालने के लिए कंपार्टमेंट है। यहाँ पर हम लोगों को डबल ए सेल्स नहीं गाइस, यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो यार ये जापान से आया है, इस वजह से इसके अंदर इस तरह की पिन का मिलता है। अभी इंडिया में तो इस तरह की पिन चलती नहीं है। और ये रही इसकी बैटरी। बैटरी भी यार इन लोगों ने बहुत बेकार दे रखी है। 4.8 वोल्ट 2500 mAh NICD बैटरी दी गई है। ये कार 1:16 स्केल मॉडल पे होने के कारण इसका साइज मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है। बाकी इसके ऊपर डिटेलिंग देखो यार बहुत कमाल की दी गई है। सामने यहाँ पर क्रोम की ग्रिल, डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे लैंड क्रूजर प्राडो बोल के भी दिया गया। यहाँ पर मिरर नहीं दिया गया। अंदर की सीट्स और पीछे की सीट्स भी देखो यार बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने डिजाइन कर रखी है। ऊपर सनरूफ भी दिया गया और रूफ रेल्स भी इसके अंदर लगाई गई है। इसके डोर्स वगैरह ओपन नहीं हो रहे हैं। जहां तक व्हील्स की बात करूं, व्हील्स कंप्लीटली रबर के बनाए गए हैं। अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो या फिर ये टोयोटा प्राडो खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है। वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। एक और बाय लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है गाइस। वहां से भी जाकर आप चाहे तो ये सारी की सारी आरसी कार्स को खरीद सकते हो। फटाफट से कार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। बॉक्स के ऊपर तो 1:12 स्केल मॉडल दिया गया था पर ये 1:12 तो मेरे को लग नहीं रही गाइस। एक्चुअल में ये 1:14 है। यहां पे ग्लास दिया गया, ऊपर की तरफ भी ग्लास दिया गया। इसके भी डोर्स ओपन नहीं होते हैं पर अंदर की सीट स्टीयरिंग आप क्लियरली देख सकते हो। यहां पर बिल्कुल मर्सिडीज जी वैगन जैसा ही इसका लुक बनाया गया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये ऑफिशियल लाइसेंसड नहीं होने के कारण इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम रखा गया है गाइस। सिक्स व्हील्स दिए गए पर ये सिक्स व्हील ड्राइव नहीं है गाइस। सिर्फ मोटर इसके अंदर सेंटर के व्हील के अंदर ही दी गई है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। जैसा इस कार का प्राइस है उसी तरह से रिमोट भी दिया गया है। ट्रिगर यहाँ से बहुत लूज मेरे को लग रहा है। यहाँ पर है इसकी बैटरी, इसके साथ भी NICD 4.8 वोल्ट की बैटरी दी गई है। और ये रहा इसका चार्जर। दोस्तों अभी अनबॉक्स करते हैं RSR की तरफ से आने वाली रेंज रोवर इवोक आरसी कार को। RSR की जितनी भी कार्स होती है बहुत ज्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी होती है उनकी। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। यहाँ पे लैंड रोवर बोल के दिया गया है। इसी की तरफ दो डबल ए बैटरी डालनी पड़ती है। ये रही हमारी रेंज रोवर इवोक आरसी का। स्टीयरिंग सीट्स वगैरह आप देख सकते हो। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स के अंदर बहुत अच्छा डिजाइन दिया गया है। रिचार्जेबल बैटरी इसके अंदर नहीं लगा सकते हो। इस कार को चलाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर डबल ए बैटरी डालनी पड़ती है। दिखने में ये बिल्कुल एक टाटा हैरियर जैसी ही दिखाई देती है। सामने की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह का ग्रिल दिया गया है। अभी अनबॉक्स करते हैं फटाफट से BMW i8 ब्लैक कलर एडिशन। आपको पता होगा इस मेरे पास सिल्वर कलर एडिशन भी है, रेड कलर एडिशन भी है। ये ऑफिशियल लाइसेंसड है और टोयोटा प्राडो भी ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है। फटाफट से मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये कार का कलर बहुत ज्यादा अलग है गाइस। नॉर्मली जो है कार का कलर बहुत ज्यादा शाइनी होता है पर इसके ऊपर देखो मैट फिनिश किया गया है, इस वजह से कार बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई देती है। सामने बोनट के ऊपर भी देखो BMW का लोगो है। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। मेरे को लगा था कि टोयोटा प्राडो इन सभी से बहुत छोटी नजर आ जाएगी पर ये रेंज रोवर के साइज जितनी है थोड़ा सा यहाँ पे फर्क मेरे को लग रहा है पीछे की तरफ से। बाकी दोनों की हाइट में भी देखो टोयोटा प्राडो इससे ज्यादा बढ़िया। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं टोयोटा प्राडो आज BMW i8 को हरा पाती है या नहीं। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले टोयोटा लैंड क्रूजर को टच करते हैं। इसके साथ जो रिमोट मिला था वो रिमोट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये रिमोट ले लिया। अब देखो यार कार बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। इसके ब्रेक्स इतने अच्छे तरीके से लगेंगे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी टेस्ट करते हैं रेंज रोवर इवोक आरसी कार को। ये ऑफिशियल लाइसेंसड होने के कारण बहुत स्मूथली चल रही है। इसकी भी कंट्रोलिंग मेरे को टोयोटा कार जैसी ही लगी गई। अब टेस्ट करता हूं मैं BMW i8 इलेक्ट्रिक को। इसके डोर्स बहुत ही स्मूथली ओपन और क्लोज हो जाते हैं और इस तरह के डोर्स मैंने आज तक कोई भी आरसी कार के अंदर नहीं देखे। चलो
फटाफट से इसको भी रोड पर टच करके दिखा देता हूँ। ये कार भी बहुत स्मूथली चलती है, टर्न भी बहुत अच्छे तरीके से ले लेती है, ब्रेक भी बहुत परफेक्ट तरीके से लगते हैं। अभी मर्सिडीज जी वैगन को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार ऑफिशियल लाइसेंसड नहीं है, इस वजह से देखो इसके मोटर के अंदर से कुछ खरखराने की आवाज आने लगती है और इसका रिमोट भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसको मैं फॉरवर्ड चला रहा हूं तो ये रिवर्स चल रही है, रिवर्स चला रहा हूं तो फॉरवर्ड चल रही है और इसकी स्टीयरिंग भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम कर रही है। बाकी इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है गाइस, देखो इसको टर्न कराने के लिए पूरी की पूरी रोड चाहिए यार। अभी रेस कराते हैं ये दोनों आरसी कार्स के बीच में, देखते हैं रेंज रोवर इवोक जीतती है या फिर टोयोटा प्राडो। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत से ही देखो रेंज रोवर इवोक बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि गाइस टोयोटा प्राडो आसानी से हार गई, पर इसकी स्पीड देखो अचानक से बढ़ने लगी है और इसने टेक ओवर कर दिया है रेंज रोवर इवोक को अनबिलीवेबल तरीके से। देखो और इसने रेंज रोवर इवोक को पीछे छोड़ दिया है और रेस को क्लियरली जीत गई है यहाँ पे। अब देखते हैं गाइस ये टोयोटा लैंड क्रूजर बीएमडब्ल्यू i8 इलेक्ट्रिक को भी हरा पाती है, यानी बीएमडब्ल्यू i8 इलेक्ट्रिक को हराना नामुमकिन है ऐसा मेरे को लग रहा है गाइस। देखो बीएमडब्ल्यू बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी, वापस से यहाँ पे टोयोटा प्राडो ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, इसने बीएमडब्ल्यू i8 को भी पीछे कर दिया। मेरे को तो यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा, वापस से यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो जीत चुकी है इस वाली रेस को भी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी मैं रेस कराने ही वाला था, एक ही रिमोट दोनों आरसी कार्स को काम कर रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में यहाँ पे रेस नहीं हो पा रही है। अभी पुशबैक कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। टोयोटा ने बहुत जोर की टक्कर मारी है रेंज रोवर इवोक को, जैसे ही टक्कर लगी है यहाँ पे रेंज रोवर इवोक पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है। इसी बात का फायदा उठाकर टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो ने रेंज रोवर इवोक को हरा के रख दिया है पुशबैक में। अभी देखते हैं BMW i8 अपनी हार का बदला ले पाती है, यानी बहुत जोर की टक्कर मारी है इसने टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो को, धीरे धीरे करके अभी इसने पीछे ढकेलना चालू कर दिया है लैंड क्रूजर को। यहाँ पे लैंड क्रूजर पूरी तरीके से ब्रेक्स भी लगाने की कोशिश कर रही है, पर ब्रेक्स लगाने का कोई भी फायदा होता हुआ मेरे को लग नहीं रहा है। BMW i8 ने इसको पीछे ढकेल के रख दिया है और अपनी हार का बदला भी इसने ले लिया है गाइस। अभी ये दोनों कार्स के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं गाइस ये सिक्स व्हील कार जीतती है या फिर अपनी BMW i8 इलेक्ट्रिक जीत पाती है। यहाँ पर जैसे तैसे करके ये सिक्स व्हील कार ने BMW को रोक रखा था, पर देखो पूरी पावर लगा चुकी है अभी BMW i8 इलेक्ट्रिक और इसने खींच लिया यार अपनी तरफ पूरी तरीके से सिक्स व्हील ड्राइव आरसी कार को। अभी ऑफ रोड में आ चुका हूँ मैं, ये चारों आरसी कार्स के बीच में रेस कराऊंगा, देखते हैं गाइस इन चारों में से कौन बढ़िया तरीके से ऑफ रोड में चल पाता है। पहले ये दो एसयूवी आरसी कार्स के बीच में रेस कराते हैं। टोयोटा प्राडो बहुत ज्यादा सही तरीके से चल रही है, यहाँ पर रेंज रोवर इवोक के व्हील्स थोड़े से स्लिप हो रहे थे, अब देखो इसने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। टोयोटा प्राडो के सामने बड़े बड़े पत्थर भी आ चुके हैं, पर देखो गाइस ये बड़े पत्थरों पे से भी जंप मार के निकल चुकी है। मैं तो यहाँ पे कंप्लीटली शॉक हो चुका हूँ, ये कार ऑफ रोड में भी इतने मस्त तरीके से चल रही है गाइस। अभी ये दोनों कार्स के बीच में रेस कराते हैं, यहाँ पे BMW i8 इलेक्ट्रिक के व्हील स्लिप होने लग रहे हैं क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज्यादा कम है। ये मर्सिडीज जी वैगन देखो बहुत आराम से मिट्टी में से निकल चुकी है और भाई इसकी स्पीड भी देखो बहुत ज्यादा है, पर आखिर में ये पत्थरों में फंस गई है यहाँ पर। तो ऑफ रोड में टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो और रेंज रोवर इवोक बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे थे। ये सभी आरसी कार्स का अभी पावर टेस्ट करेंगे गाइस, देखते हैं ये कितना वेट खींच पाती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ रेंज रोवर इवोक को, पीछे ट्रॉली के ऊपर बहुत सारे डिब्बे मैंने रख दिए हैं, देखते हैं रेंज रोवर इवोक इतना ज्यादा वेट खींच पाती है। यानी बहुत बढ़िया तरीके से खींच रही है, पर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है और इसका बैलेंस भी देखो यार थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ चुका है और यहाँ पर ये रुक चुकी है। अभी देखेंगे मर्सिडीज जी वैगन इतना वेट खींच पाती है, यानी इसके अंदर तो इतनी पावर ही नहीं है गाइस। देखो ये थोड़ा सा भी पुल नहीं कर पा रही है पीछे के को। अब BMW i8 इलेक्ट्रिक के साथ सेम टेस्ट करके देखते हैं गाइस, ये कार तो बिना कोई प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा वेट भी लेके जा सकती है। अभी सबसे लास्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो को टेस्ट करते हैं गाइस, ये कार भी देखो ज्यादा पावरफुल होने के कारण पूरा का पूरा वेट बहुत ज्यादा आराम से खींच के लेके जा रही है और इसकी स्पीड भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है गाइस। यहां पर क्लियरली BMW i8 इलेक्ट्रिक और टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो जीत चुके हैं वेट खींचने के मामले में। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन चारों कार्स में से कौन सी कार पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है हर्षित, जयान, रयान, कमल, आरुष, निखिल, कार्तिक, अजीम, आमिर, भावेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।